अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीछा छुड़ाने और जनता को 70 साल तक लूटने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए मतदाता बड़ी संख्या में जिला विकास परिषद यानी DDC चुनाव में मतदान करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। भीषण ठंड भी मतदाताओं का जोश कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि कश्मीर के मतदाता चाहते हैं कि देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी विकास की धारा बहे, यहाँ भी लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिले, बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है वह खत्म हो। जम्मू कश्मीर के युवा भी मतदान करने बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर देखे जा सकते हैं। DDC चुनाव के तीसरे चरण में 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। DDC के तीसरे चरण के चुनाव में कुल 305 उम्मीदवार हैं, जिनमें कश्मीर संभाग में 166 जबकि जम्मू संभाग में 139 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 252 पुरुष और 53 महिला उम्मीदवार हैं। पंच और सरपंच की रिक्त सीटों के लिए भी मतदान कराया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं और उम्मीदवारों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम हराजदीन भट्ट है। जी, मैंने वोट आज ये डाला कि ये एक बदलाव आया है यहाँ पर, इसलिए हमने वोट डाला। आज का वोट डेवलपमेंट का वोट है। आज का वोट कोई सियासी वोट नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में पाइपें लगे, बिजली पोल लगे, तारे लगे, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, महीने बाद कोई पूछने वाला नहीं है। आज का वोट जो है DDC का वोट है, हमने इसलिए आज वोट डाला है। जी, मैं उम्र अभी 35 साल की है, मैं 17 साल से नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन आज जो पहले तंजीमें आ रही थी, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, यहाँ पर कलेक्शन सरकारें बनी आज तक, उन्होंने जितना किया वो लोगों के सामने है, लेकिन आज कोई आ रहा है हम वो करें ये करेंगे, ये तब पता चलता है जब कोई कामयाब हो रहा है। फिर उसके बाद फिर 5 साल गुजर जाते हैं, वो फिर वो आता है अब मैं ये करूँगा, वो भी पता नहीं चलता। लेकिन आज का वोट जो है ये आज अवाम ने दिया है, एक आज़ादाना वोट है। हाँ, लोगों को निकलना चाहिए और वोट दिल खोल के देना उस कैंडिडेट को देना है जो उनका काम कर सके कल। ऐसा नहीं कि फिर 5 साल के बाद वो दिखाई देगा अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। जालिम को वोट नहीं देना है, आज वोट सोच समझ के देना है। आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज यहाँ वोटिंग हो रही है। इस सिलसिले में जो इलेक्शन कैंडिडेट से जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से किसी को वोट पड़ेगा और जो जीतेगा वो जो डेवलपमेंट काम है वो कर सकते हैं। उम्मीदें तो बहुत सारे हैं, फिर भी जो जीतेगा उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे लोकल जो प्रॉब्लम्स है, दूसरी जगह पर जो रोड प्रॉब्लम्स है, स्ट्रीट प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो दीगर प्रॉब्लम है वो उनको हायर अथॉरिटीज तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, ये जो अभी DDC के चुनाव जो हो रहे हैं इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ हमारे इस गांधरबल में भी जो चुनाव हो रहे हैं, ये इस वक्त डेवलपमेंट के चुनाव हो रहे हैं, तरक्की के चुनाव हो रहे हैं। यानी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंचज और सरपंच को बाख्तियार बनाया, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उनको बाख्तियार बना के उनको पावर्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो उस सेकेंड टायर जो इलेक्शन हो गए उसमें जो है हमने BDCs को चुन लिया, BDCs को भी हमने पावर्स दे दिए हैं, बाख्तियार बनाया है। और अब ये फोर्थ टायर इस वक्त जो DDCs के जो चुनाव हो रहे हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंट के लिए एक चेयरमैन बनेगा। तो हमारा मानना ये है कि ये तरक्की और डेवलपमेंट के लिए एक इलेक्शन है, लोगों को चाहिए इसमें जोग दर जोग शमूलियत करें, वोट डालें, क्योंकि हमारा कश्मीर जो है, कश्मीर वैली खासकर ये जो हमारा इलाका है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं BJP की तरफ से कैंडिडेट हूँ यहाँ पे उम्मीदवार DDC का, मेरा नाम शेख रशीद है। हम चाहते हैं कि हम इस इलाके की तरक्की करें, इसकी डेवलपमेंट करें, उसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, एक बात है, देखिए भाई, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको समझना चाहिए, हमेशा ताकत से काम लेना चाहिए। आज केंद्र में हमारी सरकार है, कश्मीर वैली में ज़रूरत है, इस वक्त मदद की ज़रूरत है यहाँ पे।
यहाँ पे सारे लोग अपने जितने भी कैंडिडेट हैं सारे अपने बच्चे हैं, मगर इनको चाहे जो कोई बच्चा पीएचडी किया हुआ या और भी कोई कैंडिडेट होगा उनको चाहिए, इस वक्त केंद्र में हमारी सरकार है इसे ताकत से काम लेना चाहिए। इस वक्त डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड्स आ सकते हैं, पैसा आ सकता है, हम ये इस इलाके के डेवलप करेंगे। देखिए साफ बात है, ये जो इलाका है फोक है, ये फोक एरिया जो है ये कटअप एरिया है जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 70 साल से यह इलाके फोक के जो लोग हैं पिस रहे हैं बेचारे, 70 साल से इनकी डिमांड थी हमारे इस इलाके में जो है तहसीलदार बैठे, हमें ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। कभी इन्होंने शेख साहब को भी वोट दे दिया, इन्होंने फारूक साहब को भी वोट दे दिया, फिर बाद में उमर साहब को भी वोट दे दिया, फिर उसके बाद फिर मुफ्ती साहब आ गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी एक अच्छे लीडर थे, फिर महबूबा जी को भी वोट दे दी। मगर अभी तक इनके मसे जो है यूँ के तू हैं, ये काफ़ी बेबस एरिया है। इस इलाके में जो है इन लोग आप ये इस बार नकारेंगे उनको। इंशाल्लाह रहमान पहला काम होगा, सबसे पहला फर्स्ट काम जो मैं विद इन 1 मंथ करूँगा, जीतने के बाद मैं तहसील इसमें फोक जो है इलाका फोक में मैं तहसीलदार बिठाऊँगा और यहाँ पर भी ब्लॉक बिठाऊँगा ताकि इनको अपना फंड्स मिलेगा अलग, इनको अपना पैसा मिलेगा अलग, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और तरक्की होगी। और दूसरा मेरा ये भी होगा यहाँ पे जो नौजवान बच्चे हैं यूथ्स उनके लिए सपोर्ट स्टेडियम होना चाहिए खेलने कूदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, बहुत सारी जगह हैं। और तीसरा मेरा काम ये होगा कि ये इलाका जो है यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेक्टर बने, इंडस्ट्री सेक्टर जब बनेगा तो उसमें जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे जो है उनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए डेमोक्रेसी में कि आज हमारे जो लोग हैं बड़े खुशी के साथ वोट डाल रहे हैं, और पिछले 72 सालों से जब से ये लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हैं बंटवारे के दौरान जब आए थे और इनको स्वाय पार्लियामेंट के दूसरा वोट नहीं डालने दिया जाता था, और आज पहली मरतबा ये यहाँ DDC जो इलेक्शन हो रही है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की और पंचायत की, उसमें ये वोट डालने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ही खुशी है, सारे लोग खुश हैं कि हमें भी यहाँ डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार मिला, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी।